नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर 7 है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसका भी क्विज टेलीग्राम पर होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है, को त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है M, ऑप्शन बी कह रहा है M बाई 2π, ऑप्शन सी कह रहा है M बाई पाई, ऑप्शन डी कह रहा है 2M बाई पाई। तो इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ पहले से ही, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को देखिए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में 2018 में पूछ दिया था। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, प्ले लिस्ट में फिजिक्स का प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो इसका डायरेक्ट अभी आंसर जान जाते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2m बाय पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह भी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका भी वीडियो मैं अलग से बना दिया हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यू नोट 2i बाय 4πr, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो। जब कोई कण आवेशित होता है तो वह एक क्षेत्र में गति करता है। जब वह क्षेत्र विद्यमान होता है किस में, तो वह क्षेत्र किस कब क्या होता है, तो वह वेग अचर रहता है जब, तब उस क्षेत्र में गति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग अचर रहता है। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, तब वेग अचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समान लंबाई के 3 समान लंबाई है और वह 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः दे दिया है, ए 2a तथा 6a है। उसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा, यह भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दे दिया है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ऐसा दे देगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर ए है, ए 2a और 6a है, 6a है, देख लीजिए। अब a है, ये a है, इसके बगल में कोई नहीं है, नहीं तो कुछ एक दे देंगे, यहाँ नहीं कुछ रहता है तो एक होता है, गुना करो आप a ही रह जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो क्षेत्र उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात पूछ रहा है। तो देख लीजिए, 1:2:6, तो क्या आंसर हो जाएगा, 1:2:6, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उद्ग्रतः नीचे की दिशा में विद्यमान है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा, यह भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल लगाया जाएगा, तो किस दिशा में बल लगाया जाएगा, तो यह उत्तर दिशा में बल लगाएगा, उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा में,
ये काफ़ी कम पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव अभी देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कीजिए चैप्टर वाइज चैप्टर, और कुछ भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चुंबकीय जितना भी SI मात्रक और बीमा, ये दोनों काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर एक वर्ष दो पूछा जाता है, बीमा भी पूछा जाता है और मात्रक भी पूछा जाता है। इसलिए मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दिया हूँ जिसमें 20 से 30 SI मात्रक और बीमा का वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट फिजिक्स का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है तो वो होती है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी और ये सदिश को निरूपित करता है, एरो। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? यह भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व B²/2μ0, इसका भी दो नंबर में पूछा जाता है लगभग में, काफ़ी बार नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण, तो सबसे पहले आपको बल आघूर्ण समझना होगा, बल आघूर्ण यह भी 5 नंबर में पूछा जाता है और चुंबकीय आघूर्ण भी 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसका भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2BA³/μ0√π। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यह भी 2009 ही में पूछा गया था, इस बार ज़्यादा चांस है पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विभिन्न सूत्र है। ये भी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी M0L0T, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा इसका आंसर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ये 2016 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर एक रहा है धारा के चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन डी विद्युतीय प्रेरण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, लॉरेंज बल का दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, या मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लॉरेंज बल हम लोग जब ज्ञात करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक एम ए प्रास तथा एक ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को 10 वोल्ट प्रास वाले वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये लगभग में नहीं पूछा जाता है। सी हो जाएगा 9999 ओम श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी नहीं पूछा जाता है, छोड़ो उसको। ये पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइक्लो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो साइक्लो इलेक्ट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लो इलेक्ट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है। तो चुंबकीय बल का सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय बल का सूत्र F बराबर QVV sin थीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, L लंबाई, I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है μNI/L, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस ऑब्जेक्टिव को। आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो ये जो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा 2πbrq/μ0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण बल धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क ऐसे लिखते हैं, संकेत होता है टॉर्क का मान होता है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टॉर्क का मान होता है बल आघूर्ण का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिए, बल आघूर्ण का वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर, टॉर्क बराबर m×b, वो भी दोनों में एरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, ऑस्ट्रेड ने, फैराड ने। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड ने किया था, ऑस्ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र,
स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों इन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर सी। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप, एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विराम अवस्था में से छोड़ा जाता है, कण गति करेगा, कण कैसे गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा या वक्र रेखा में गति करेगा या गोल गोल घूमते रह जाएगा। तो ये जो होगा वह सरल रेखा में गति करेगा, ऑप्शन नंबर ए। विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो वह सरल रेखा में गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपवर्तित रहता है, वेग केवल चाल, केवल गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। तो अपवर्तित रहता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है, ये 2018 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है, तो लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए एफ बराबर क्यू ई प्लस वी गुने वी, ए आंसर हो जाएगा, यही सूत्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य होता है, अति लघु होता है, अति वृहद होता है या अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, आदर्श एमीटर एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। एमीटर अगर यहाँ पर रहेगा तो शून्य हो जाएगा, अगर वोल्ट मीटर रहेगा तो अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है जोड़कर, किस क्रम में जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है चल कुंडल धरामापी की सुग्राहिता यहाँ पर होगा बढ़ाई जा सकती है, चल कुंडल धरामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, ऑप्शन नंबर डी प्रति एकांक एंठन को बढ़ाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है जलकुंडली धरामापी की, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग किया जाता है उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, उसे वोल्ट मापी में बदलने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर का में संट का उपयोग इसलिए किया जाता है, तो किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनंत लंबाई
के एक सीधे तार में एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे एक मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इससे एक मीटर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2×10⁻⁷ T, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय प्रेरण की बीमा है, बीमा या सूत्र पूछ रहा है चुंबकीय प्रेरण का, तो इसका भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, कहा हूँ पहले ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ML0T-2T1-1, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए इनवर्स ML0T-2A-1, ये हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी जल कुंडल धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है, किसी जल कुंडल धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई समानुपाती थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट है, कुंडली के अक्ष पर इसके इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B08 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √3R, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये इसको सॉल्व करेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रहा है, वे होंगे, तो वो हो जाएंगे एक दूसरे का प्रतिकर्षित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।